2023 में क्लास 12th यानी इंटर की परीक्षा दे दिए हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या करें, तो यह वीडियो जो है आपके लिए है। सबसे पहली बातें, बहुत सारे मैसेजेस और कॉल आते हैं कि सर परीक्षा दे दिए हैं और हमको समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम का पढ़ें का नहीं पढ़ें और पढ़े में मने नहीं लग रहा है। एगो सच्चाई बात बताते हैं जो आज तक कोनो टीचर आपको नहीं बोला होगा। अगर कोनो के ऐसा फील होता है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है का पढ़ें या पढ़े में मन नहीं लग रहा है, तो आप अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, यानी कि आपका जीवन बर्बाद है। और आप जो है जानते हैं क्या करेंगे, वही जो है जो नॉर्मल आदमी करता है, रोड पे जो है कमाएंगे, कमाइएगा, खाइएगा और अपन जीवन को गुजारिएगा। आप जो है 12th की परीक्षा दे दिए हैं, आप एक वयस्क जो है मनुष्य बन चुके हैं और आपको पता नहीं चल रहा है कि हम क्या पढ़ें, हमारे जीवन के लिए क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा, ये समझ में नहीं आ रहा है। वाह, गजब बातें हैं आपकी। अगर आपको ये बातें कड़वी लगेगी थोड़ी सा, लेकिन सुनिएगा ज़रूर। हमको मान के चलिए कि जीवन में कुछ अच्छा आदमी बनना है तो कुछ अच्छे काम करने होंगे, उसके लिए मेहनत करना होगा। आप कह रहे हैं कि हमको तो समझे में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना सर, तो आप एगो रोड पे भीख मांगे वाला आदमी के देखे हैं, एकदम रियल में वैसा ही हालत होगा। और अगर आप एक लड़की हैं तो उसके साथ क्या होगा जानते हैं, ब्याह शादी होगा, बाल बच्चा होगा, सुबह में खाना बनाएंगी, दिन भर टीवी देखेंगी, शाम में खाना बनाएंगी, फिर दोपहर रात में सो जाएंगी और फिर उनका जीवन खत्म है। और अगर आप एक लड़का हैं तो आप जो है सवेर में जो है मार भात खा के निकलेंगे, दोपहर भर कमा के आएंगे कुत्ता लेखा, और शाम में जो है फिर सो जाएंगे और फिर सुबह से वही धंधा होगा। इसीलिए समझदारी आपके अंदर आनी चाहिए। अगर आप कोनो अमीर आदमी के देखते हैं तो आपको मन नहीं करता है कि हमारे पास भी जो है 4-व्हीलर होना चाहिए, हमारे पास भी पैसा होना चाहिए कि बाजार के हर एक चीज़ जो है मेरे को सस्ता लगे, तो आप कहते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है। अरे समझ में काहे नहीं आ रहा है, जीवन में आपको कुछ करना है कि नहीं करना है? अगर आपको एक अच्छा टीचर बनना है उसके लिए पढ़ाई करना होगा, एक अच्छी नौकरी लेनी है उसके लिए पढ़ाई करना होगा, कौन सी नौकरी लेनी है उसका सिलेबस देखेंगे, उसके अनुसार पढ़ाई करेंगे। अगर आपको डांसर बनना है तो डांस पे मेहनत करना होगा, अगर आपको सिंगर बनना है तो सिंगिंग पे मेहनत करना होगा। आप कहेंगे कि मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। ये सब बात जो है एगो बहाना है जीवन के जो आपको बर्बाद करेगा। हमारा इसमें कोनो घाटा नहीं है, हम वीडियो बना रहे हैं तो हमारा इसमें फायदा है कि तू सब वीडियो देखेगा, हम पैसा आएगा, लेकिन आपका घाटा है अगर इस बात को आप नहीं मानेंगे तो। ठीक है ना सर? तो हम ये चाहते हैं कि जीवन में हम जितना आगे बढ़ रहे हैं, मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो भी आगे बढ़ें, कि आपको भी जो है लोग आपके नाम से जाने कि आप क्या हैं। उसके लिए क्या करना होगा, परीक्षा दे के आ गए, घर जाके बिस्तर लगा के सुतर रहेंगे, दिन भर रील्स देखेंगे, यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, ब्लॉग देखेंगे कि फनाला आदमी के कितना व्यूज आवे थे। ओकरा से अच्छा है कि खुदे वो यूट्यूब पे चैनल बना के काहे नहीं वीडियो डालते हैं, आपका भी व्यूज आएगा, आप भी पैसा कमाइएगा, आप काहे नहीं मेहनत करते हैं। बात कड़वी लग रही होगी, हम जानते हैं, सिंपल सी बात, अच्छी बातें जो हैं लोगों को कड़वी ही लगती है। ठीक है ना सर? अब कोनो टीचर आपको इसे समझा तो नहीं सकता है। हम तो ई लिए समझाते हैं कि पहला बात हम टीचर नहीं हैं, हम चाहते हैं कि मेरे साथ आप भी अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ें, तरक्की करें। उसके लिए आपको मेहनत करना होगा, एक अपने गोल को सेट करना होगा, उस गोल के अनुसार आपको जो है उस पर काम करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमें एक SSC एग्ज़ाम को क्लियर करना है। SSC में कौन सा एग्ज़ाम को क्लियर करना है, मान के चलिए MTS के एग्ज़ाम को क्लियर करना है। MTS के सिलेबस को देखेंगे, कौन कौन सा उसमें सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके अनुसार तैयारी करेंगे। कौन से टीचर YouTube पे पढ़ाते हैं, कौन से आपके ऑफलाइन में बेस्ट पढ़ाते हैं, वो सब्जेक्ट को हम पढ़ेंगे, उसके अनुसार तैयारी करेंगे और MTS को एग्ज़ाम निकालेंगे, नौकरी करेंगे। अगर आप एक अच्छे यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो यूट्यूब पे वीडियो कैसे बनावल जाता है, रिकॉर्ड कैसे करल जाता है, उसको एडिट कैसे करल जाता है, ये सब का वीडियो देखिए। तो आप तो कहेंगे समझ में नहीं आवैता, समझ में नहीं आवैता, तो जीवन आपका जो है ऐसा अझुराएगा कि फिर आपको जीवन जैसे आँख से आंसू गिरेगा और कुछ नहीं समझ में आएगा। कहे ना, जिंदगी में जो है लोग आपके पास पैसा रहेगा तबे आपका खैरियत पूछेंगे। कोनो आदमी आपकी सुंदरता को देख के इन्हें पूछेगा कि वाह कितना सुंदर है, ऐसे नहीं कहेगा।
अरे बा कितना पैसा है तब आपसे बात करेगा, समझे। जीवन में पैसा कमाइए, उसके लिए एगो गोल सेट कीजिए, उस गोल पे फोकस कीजिए और उस गोल्स के अनुसार काम कीजिए, नहीं तो इतना पीछे जाएंगे कि ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और जीवन आपका समाप्त हो जाएगा। आपका आप भी जो है अपने अंदर शौक पालिए कि आपको जो भी जो है जहाज़ पे घूमना है, आपके पास भी फोर व्हीलर गाड़ी होना चाहिए, आपके नाम से आपके परिवार को जाना जाए, इस सब के लिए जो है ना मेहनत करना पड़ता है और मेहनत जो है सभी लोगों से नहीं होता है। अगर आप एक अच्छे जो हैं इंसान बनना चाहते हैं, सफल इंसान बनना चाहते हैं तो मेहनत कीजिए, बस यही मेरा रिक्वेस्ट है। अगर आपको कोई भी बात जो है बुरी लगल है लगे दीजिए, हम कोनो ऐसन बात नहीं कहे हैं जिससे आपको जो है घाटा हो, ठीक है। वीडियो देखे हैं अच्छा लगल है तो कोनो के शेयर कर दीजिएगा, वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।